Never underestimate the power of one person. Mr. Chalapai, the forest man of India, an environmental activist, hara hai to bhara hai. Plant 3 trees and nurture them for 3 years. Pass the challenge to 3 others. A green revolution, a green resolution. Mr. Jadav Molai Pine, born in 1963, is an environmental activist and forestry worker from Mazuli, popularly known as the Forest Man of India. Over the course of several decades, he has planted and tended trees on a sandbar of the river Brahmaputra, turning it into a forest reserve. The forest called Molai Forest after him is located near Kokilamukh of Assam, India, and encompasses an area of about 1360 acres, 550 hectares. In 2015, he was honored with the Padma Shri, the 4th highest civilian awards in India. Namaste, sir. Welcome. Sir, Forest Man of India, kaise aur kab shuru hua ye safar aapka? मैं जो फॉरेस्ट बनाया ये तो बहु हिस्ट्रिकल एरिया है, ब्रिटिशों लोग का, इंडिया का, ब्रिटिश और मानव का लड़ाई। मेरा जो फॉरेस्ट है मोगोसुटी पर हुआ, वही दिन से मैं देखा है ब्रिटिशों के रेलवे के लाइन है, जहाज घाट है, ढाका होके कलकत्ता होके यही जहाज बोरगुप ओनरशिप में रहा। लेकिन ये क्या है, 1965 से इरोशन होके गया। मैं बचपन में देखा है वो लोग का रेलवे का लाइन, जहाज घाट, और अभी क्या 79 तक वो इरोशन है के 10 किलोमीटर वो जहाज घाट हमारे गांव, हमारे जो लड़ाई हुआ मोगर सूटी और जहाज घाट रेलवे का लाइन, अपर आसाम का JPR रेलवे का स्टेशन, वो दिन भी ब्रह्मपुत्र के इरोशन में चला गया। लेकिन मैं बचपन से भी गया था जोरहाट जसकोट का पेशकार अनिल बरठाकुर घर में, टीचर का ब्राह्मण का में वहाँ भी। आपकी पढ़ाई तो इतनी नहीं थी, इसका नॉलेज कहाँ से लिया? LP स्कूल में से पढ़ा, जो पढ़ा है बचपन से भी साइंटिस्टों को मिला। हो तो बचपन में हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज है, पेड़ रूपने से भी नहीं होगा, पेड़ रूप के प्रतिपालन के बड़ा करने पड़ेगा, पेड़ के ऊपर, जानवर के ऊपर, पंछी के ऊपर, ये प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। लेकिन वही दिन से मैं पेड़ के ऊपर, जानवर के ऊपर, पंछी के ऊपर ध्यान दे के अभी विश्ववासी के घर में चला गया। 13 ईयर्स वो फॉरेस्ट बनाने में, जब स्नेक आया था साइना अरुणाचल प्रदेश से, जब साइना आया था तो जबरा उबरा फ्लैट में टॉप टॉप देखा, स्नेक्स मर गया, डाइट हो गया, उसका मेरा अंतर में बहुत दुख लगा। एक दिन हम लोग भी ऐसे ही मर जाएगा, इसके लिए सांप नहीं मरने से क्या करने पड़ेगा। वो लोग को निशी 5 किलोमीटर डिस्टेंस देवरी कमिटी ट्राइबल लोग है, उसको सासा सासी के साथ बातचीत हुआ, सांप नहीं मरने से क्या होगा। वो लोग बुलाया कि आप विश्व से सौ पूछना घास रूपो, ये सांप नहीं मरेगा, और तो पेड़ रुक के जाओ। मेरा तो मालूम नहीं है, वो दोनों 14 ईयर्स 16 ईयर्स है, मेरा मालूम नहीं है। वो लोग बोला है विश्व से सब उछना घास ग्रास वो हुआ है बैम्बो, बैम्बो रूप में भी सांस हो गया, सांप नहीं मरेगा, और तो पेड़ रूप के जाओ। मैं 15 बैम्बो का 20 वो देवरी कम्युनिटी है, ट्राइबल लोग है, वो लोग दिया था 25 बैम्बो दिया था। तो आइलैंड का जो है हमारे आगे का जो है, तो उधर ही थे मिट्टी का कलछी लेके 5 दिन के अंतर फुटा करके पानी दे दे के बेम्बो भी जल्दी जल्दी हुआ, और पेड़ रुकते रुकते जो साइना अरुणाचल प्रदेश से आया था वो भी फल जल्दी जल्दी बीज निकाल के बड़ा होता है। पेड़ रुकते रुकते 30 ईयर्स हुआ, 30 ईयर्स में बड़ा होगा, डियर आ गया। डियर आने के बाद रॉयल बंगाल टाइगर आ गया, रॉयल बंगाल टाइगर आने के बाद अभी जब भालचार आ गया, भालचार आने के बाद राइनो, एलिफेंट, और शताधिक विश्व से भारत का, इंडिया का 80% पार्ट इधर ही मिलता है अभी। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन्वाइट करके मेरे को धरती दिवस ने
क्या बोला क्या देता है था फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, तीन दिन तीन रात गवेषणा का, हर पेड़ का ऊपर, हर जानवर के ऊपर, हर पंछी के ऊपर अध्ययन करके वो लोग फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया सम्मान दिया था। उसके बाद APJ अब्दुल कलाम सर बॉम्बे चंद मुखानंद संगीत सभा में को मोर में हाथ दे के बोला, विश्व से सब अच्छी काम आप करा, इसके लिए आपको 60 kg डायमंड से और 2,50,000 रुपया चेक देता है। विश्ववासी के कर्जा आपका सब्जेक्ट स्कूल एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये नहीं है इंडिया में इन्वाइट करेगा जाने पड़ेगा। वो दिन से मैं तीन दिन के पास है मैं पद्मश्री अवार्ड फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का गया। हर देशों में भी आप गए, टेडएक्स में भी आपकी स्पीच हुई, कैसा एक्सपीरियंस था? इंडिया का बाहर गया था, पेरिस इवेंट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, विश्व से 195 देशों का जो है उधर प्रोग्राम साइंटिस्टों लोग बोलाए, समस्त विश्ववासी ने सब ध्वंस कराए, एक आदमी सृष्टि करने के लिए मैं सम्मान दिया था। तो इवेंट ग्लोबल विश्व का वो बुक में मेरा नाम वो लोग अंतर्भुक्त करा है। लेकिन अभी ऐसे हुआ, जो जो अवार्ड मिला है राष्ट्रपति से, इंडिया का बाहर से संवाद माध्यम से जो उत्साहित करा है, यही मैं इंडिया के लिए बहुत प्राउड है। इसके लिए आप लोग को स्वागतम था आपका चैनल पर, यही बोल दिया है, हमारे लिए इंस्पिरेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके अमूल्य समय के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।